हाय व्यूअर्स, दिस इज विविधता फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सन का आर्मरेस्ट। जैसे कि टाटा नेक्सन का जो हाई एंड मॉडल है उसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है, मगर जो लोअर वेरिएंट है या मिडिल वेरिएंट वगैरह में आपको आर्मरेस्ट मिलता नहीं है। तो आप ये आर्मरेस्ट लगा सकते हैं, ये आपको कोई भी लोकल शॉप वगैरह में मिल जाता है या ऑनलाइन वगैरह में मिल जाता है। तो मैं ये ऑनलाइन से परचेस किया हूँ। तो पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा ये आर्मरेस्ट कैसा है, और उसके बाद उसको हम गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे और फाइनल देखेंगे ये कितना आपको फ्रेंडली हो रहा है यूज करने के लिए। तो ये प्लास्टिक में रैप है, इसको हम ओपन कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और ये यहाँ पे ये वुड में बना है, मीन्स लकड़ी का है ये, और इसके ऊपर रेजिंग दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड वाइज कुछ ऐसे फिनिशिंग दिया गया है, और ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुशन है, और यहाँ पे स्टिचिंग है, और इसको ओपन कर सकते हैं। और हमारा जो गाड़ी का यहाँ पे जो स्टोरेज वगैरह है उसके ऊपर ही ये फिट हो जाता है, तो आपको स्टोरेज भी मिल जाता है। तो आपका गाड़ी का जो मिडिल कंसोल है उसके ऊपर ये जस्ट बैठ जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपका जो फ्रंट सीट दोनों है उसको पूरा आगे कर दीजिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल कीजिए तो आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों सीट को बहुत ही आगे कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा लेग स्पेस कितना बच रहा है, मीन्स सीट पूरा आगे ही है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है यहाँ पे ही जो आर्मरेस्ट है उसको बस्ट उसके ऊपर ही रख देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है और इसको यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर ही रख देना है। तो देखिए उसके ऊपर ही जस्ट इसको पुश कर देना है, बस इतना ही काम है। तो देखिए ये परफेक्टली फिट हो गया, और यहाँ से भी उसका फिनिशिंग परफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे कोई मॉडल में स्टोरेज मिलता है या रियर एसी वेंट वगैरह मिलता है उसके ऊपर ये जगह में ये परफेक्टली फिट हो जाता है। अगर हम इसको हिलाते हैं तो भी हिलेगा नहीं, या ऑफ रोड वगैरह में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये हिलने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज भी मिलता है ये भी आपको थोड़ा बड़ा हो जाता है, मीन्स ये जो आर्मरेस्ट का स्टोरेज है उसके अंदर भी वो आ जाता है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ये मिडिल में ऐसे रह जाता है। तो उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका जो फ्रंट का दो सीट है उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी चौड़ा है, तो यहाँ पे जो को पैसेंजर बैठेंगे वो भी इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं, या ड्राइवर जो गाड़ी चलाएंगे वो भी इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। और ये लुक वाइज भी अच्छा दिखता है, जैसे कि ज़्यादा चीप वगैरह नहीं दिख रहा है। तो मैं मेरा ड्राइविंग पोजीशन में सीट रखा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप आराम से हाथ रख सकते हैं, और बाजू में जो स्पेस है वहाँ पे को पैसेंजर भी हाथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ रखने के बाद भी आप आपका गियर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे कुशन वगैरह दिया गया है ऊपर। और यहाँ पे जो स्टोरेज आपको दिखा रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोरेज जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका दूसरा स्टोरेज जो है वो एज यूजुअल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये आर्मरेस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था टाटा नेक्सन का आर्मरेस्ट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए साउथ टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ हो।